बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, ए पोहर एक की बीरत, जो होत है तापर सोए बताऊं जुगत, सोए बताऊं जुगत। दूसरा पहर, अब कहूँ दूसरे प्रहर की, सेवा साथ कीजे। प्रणहार आत्मसंबंध सुंदर साथ जी। कल की चर्चा में हमने पहले मंगलाचरण को सुना, जिसमें संक्षिप्त रूप से अष्ट प्रहर में जिस स्वरूप की सेवा सुंदर साथ करने वाले हैं उनकी, तथा जो सुंदर साथ सेवा करने वाले हैं उनकी पहचान दी गई थी। उसके पश्चात हमने प्रथम प्रहर अर्थात 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होने वाली सेवा का वृत्तांत सुना। अब आगे दूसरे प्रहर की भी तक बता रहे हैं। दूसरा प्रहर 9 बजे से प्रारंभ होता है और दूसरे प्रहर में श्रीजी चर्चा करते हैं, पर चर्चा के लिए सुंदर साथ तैयारी करते हैं। ऐसे नहीं कि श्रीजी चर्चा करने वाले हैं हम जाकर के बैठ जाएंगे, नहीं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जैसे आज भी देखें तो आज के युग के अनुसार कोई विद्यार्थी साउंड सिस्टम की सेटिंग की सेवा करते हैं, कोई कैमरे में रिकॉर्डिंग की सेवा है किसी की लाइट जलाने की, पंखा चलाने की, किसी की चद्दर बिछाने की, इस प्रकार की सेवा रहती है। उस समय आजकल की तरह रिकॉर्डिंग की तो व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए सुंदर साथ जब श्रीजी चर्चा करते हैं तो कुछ ब्रह्म मुनि ऐसे हैं जो लिखने की सेवा करते हैं। अब पूरी तीव्रता के साथ में तो मुझे नहीं लगता कि लिख पाते होंगे, क्योंकि आज के युग में भी जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली और इतने स्मूथ चलने वाले हाई टेक क्वालिटी के पेन आते हैं, तब भी बोलने की स्पीड में लिखना संभव नहीं होता है। उस समय तो स्याही बनाई जाती थी और उसमें डुबो डुबो करके लिखना होता था, लेकिन फिर भी सुंदर साथ परिश्रम करते थे। श्री जी के द्वारा कही हुई जो भी बातें होती थी उसको मुख्य मुख्य बिंदु बना करके लिखने की सेवा करते थे। लेकिन उससे भी पहले जो कि श्री जी चर्चा करने वाले हैं, तो दो तरफ जो श्री जी का पलंग है उसके सामने दो तरफ लालदास जी और केशवदास जी बैठते हैं। एक तरफ कुरान और हदीस रखी जाती है, दूसरी तरफ हिंदू धर्म ग्रंथ रखे जाते हैं, और श्री जी की आज्ञा अनुसार जैसे जैसे श्री जी चर्चा करते हैं, जिस धर्म ग्रंथ से प्रमाण देना होता है उस धर्म ग्रंथ से प्रमाण देते हैं। कहते हैं, धनी धाम के देत है निज धाम के निशान, लेवे मोमिन मिलके अरस सुख सुभा। देने वाले साक्षात धाम धनी हैं और लेने वाले परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं जो कि परम धाम के सुख को लेती है। अब चर्चा प्रारंभ होने से पहले श्री जी एक सुंदर साथ को बुलाते हैं जिनका नाम है जयंती भाई। जयंती काका के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, उन्हें बुलाते हैं। वो रेहल लेकर के आते हैं, दोनों तरफ लालदास जी और केशवदास जी दोनों के सामने रेहल रख दी जाती है और उस पर किताबें रखते हैं, उस पर जो भी धर्म ग्रंथ होता है उसको रखते हैं। इसी तरह से उन्हीं जयंती भाई की एक और सेवा रहती थी, ये हमेशा श्री जी के निकट रहते हैं, हजूर अर्थात पास में रहते हैं, जिनके पास थैली में कुछ पैसे सदैव रहते थे।
जिसको श्री जी हुक्म करते हैं कि जयंती काका आप इन्हें पैसा दीजिए, तो जयंती काका अपने थैले में से वो पैसा निकाल करके देते हैं। इसी प्रकार एक सुंदर साथ हैं वनमाली दास जी। वनमाली दास जी बढ़ई का कार्य करते थे। बढ़ई मतलब लकड़ी का जो काम करते हैं, अंग्रेजी में जिसको कारपेंटर कहा जाता है। अब जैसे गर्मी का समय हो, जिस समय हवा में नमी हो, तो हवा की नमी के कारण, गर्मी के कारण कभी कभी खुजली उत्पन्न होती है। अब क्योंकि शरीर ही तो है, चर्चा के समय में ऐसे पीठ पीछे करके खुजाए कैसा लगेगा ना। तो वनमाली दास जी ने देखा कि श्री जी को ऐसे हाथ पीछे करना पड़ता है, किसी को बोलते भी नहीं है। उन्होंने एक लकड़ी का छोटा सा पंजा बना दिया ताकि पीछे पीठ खुजा सके। एक एक आवश्यकता का ख्याल रख रहे हैं और वनमाली दास जी पंजा बना करके लाकर श्री जी को देते हैं। दुंदराय तफसीर ले सुनावत अल्लाह कलाम। एक सुंदर साथी दुंदराय नाम है उनका। ये कुरान की टीका पढ़ करके सुनाते हैं। हमेशा श्री जी के पास में बैठते हैं और जब जब श्री जी का आदेश होता है वो आदेश के अनुसार टीका पढ़ करके सुनाते हैं। और आगे कहते हैं, खुश खत किताब लिख के पहुंचावत पैगाम। उनकी ये भी सेवा रहती है कि किसी सुंदर साथ को पत्र लिखना हो तो श्री जी आदेश देते हैं कि पत्र लिखना है, पत्र में ये भाव लिखना है और इसको भेजना है। तो खत भेजने की सेवा ये करते हैं। और चिट्ठी क्यों भेजी जाती है, कह रहे हैं वास्ते फरज उतारने पहुंचाया खलक तमाम। एक दूसरे को जगाने का जो वादा किया था हमने, वो कर्तव्य पूरा करने के लिए उस समय चिट्ठी के माध्यम से व्यवहार, पत्र व्यवहार किया जाता था, विचारों का आदान प्रदान होता था। आज भी हम उस सेवा को अपने तरीके से पूरा कर सकते हैं। आज हमें चिट्ठी लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर हमारे पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कितने सारे तो ऐसे हैंडल हैं, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जिसके माध्यम से हम राज्य की बात को किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसमें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना है। पहले तो खुद लिखना पड़ता था, अब तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के विद्यार्थियों ने ज्ञानपीठ के स्थापना काल से लेकर के अब तक जो प्रारंभ में परिश्रम किया है, विद्यार्थियों की मेहनत है इसमें, उनकी मेहनत से आज हमारे पास तमाम साहित्य उपलब्ध है। वेबसाइट में भी अधिकांश साहित्य उपलब्ध है, पूरी वाणी की बीतक की टीका उपलब्ध है। हमें कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। आज के 4G 5G के जमाने में पूरी वाणी की टीका को डाउनलोड करने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है। और किसी को फॉरवर्ड करना हो तो और 5 मिनट मान के चलिए। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तब तो सैकड़ों लोगों को एक साथ मैसेज भेजा जा सकता है। पर इच्छा होनी चाहिए, जहां इच्छा वहां उपाय। और आज तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि उपाय बहुत सारे हमें मिल जाते हैं। उस समय सुंदर साथ चिट्ठी लिखने की सेवा करते हैं। इसी प्रकार बद्रीदास जी हैं, जिन्होंने श्री जी के आदेश पर जब भी श्री जी कुछ कहते हैं, चर्चा या फिर कोई भी समाचार पत्र लिखना होता है, 1 वर्ष तक उन्होंने लिखने की सेवा की। और देवीदास एक सुंदर साथ हैं, जो जब वाणी अवतरित होती है वो लिखते हैं, लिखने के बाद पढ़ करके श्री जी को रिझाते हैं। और वाणी साथ ले खड़े ए जो लिखनहार। वाणी लिखने वाले और भी सुंदर साथ हैं, मथुरा है, तिमर है, परशुराम, पद्मिया, बीरिया, सूरत सिंह, मकनिया,
हीरा मन, ये सब सुंदर साथ है। क्योंकि ऐसा होता है कि अधिक से अधिक सुंदर साथ लिखने वाले हैं, प्रत्येक व्यक्ति की लिखने की गति भिन्न भिन्न हो सकती है, तो इसीलिए कुछ भी छूट न जाए इसलिए इतने सारे सुंदर साथ तैयार होते हैं। आपसी सामंजस्य से अवतरित हो रही वाणी को वो लिखते हैं। मोहना सुंदर साथ हैं, गिरधर हैं, हरिदास हैं, ऐसे अनेक सुंदर साथ हैं जो वाणी लिखते हैं, श्री जी की चर्चा लिखते हैं। अब सोचिए हमारे समाज की एक कमी क्या रही है कि उस समय जिन सुंदर साथ ने चर्चा लिखी होगी, बहुत अधिक समय तो नहीं हुए, 340 वर्ष के आसपास हुए, 340 वर्षों से अधिक समय से विश्व के बहुत सारे धरोहर सुरक्षित हैं, लिखित रूप में। तो क्या यदि हमारा समाज चाहता, हमारे पूर्वज सुंदर साथ में चाहते, तो श्री जी के समय में जो चर्चा होती थी, जो सुंदर साथ लिखते थे, उसको संभाल करके सहेज करके नहीं रख सकते थे? पर हमारे समाज ने ज्ञान के महत्व को नहीं समझा। उस समय तो लिखा होगा सुंदर साथ ने, लेकिन धीरे धीरे करके क्या पता दीमक लग गई हो या किस अवस्था में हो। मुझे लगता है कि यदि उस समय की चर्चा जो लिखित रूप में थी उसे वर्तमान समय में प्रकाशित करके सुंदर साथ तक पहुंचाया जाए तो इससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। सोचिए ना, सुंदर साथ की श्री जी कैसी चर्चा करते होंगे, आप कल्पना करके देख सकते हैं। साक्षात अक्षरातीत की जो वाणी है वो अवतरित होती है तो कैसे अवतरित होती होगी? जब चर्चा करते होंगे तो कैसे करते होंगे? जब जोश में समझाते होंगे तो कैसे समझाते होंगे? जब प्रेम समझाते होंगे तो कैसे समझाते होंगे? जब विरह का वर्णन करते होंगे तो कैसे करते होंगे? जब परमधाम के 25 पक्षों की वृत्त समझाते तो कैसे समझाते होंगे? और वो धरोहर जो हमारी है वो आज समाज में उपलब्ध नहीं है। पर उस समय के सुंदर साथ ने परिश्रम में कोई कमी नहीं रखी थी। श्री जी अपनी चर्चा में क्या करते हैं, कह रहे हैं, भागवत गीता के रहस्य काढ़ दिखावे राज, हजूर हमेशा रहत है मिसर गोविंद जी इनकाज। गोविंद जी मिस्र हैं। श्री जी जब भागवत और गीता के रहस्यों को खोल करके बताते हैं तो वो हमेशा श्री जी के पास रहते हैं। जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं इस समय तो सदा श्री जी की चर्चा सुनने बैठते हैं। श्रवणा देत स्नेह सो नफा पावे खलक इनसे। सभी लोग श्रवणा देते हैं। श्रवणा देने का तात्पर्य क्या है? कान देना। और कान देने का भाव यह है कि हृदय से सुनना, ध्यान देना, और जिससे कि सब सुंदर साथ लाभ लेते थे। श्री मुख से चर्चा करे अति मीठी रसायन बैन, दे साख वेद कतेब की अत देत सुख चैन। श्री जी के द्वारा अत्यंत रसीली मीठी वाणी उच्चारित होती है, वेद कतेब की साक्षी दे करके श्री जी सुनाते हैं। और सुनने वाले सुंदर साथ कैसे हैं? मुरलीधर जी जैसे। सन्मुख श्रवणा देत है मुरलीधर बनाए, ना आसन नेत्र डगा वहीं रहे दृष्टे दृष्ट जुड़ाए। न उनका आसन हिलता है और न उनके नेत्र हिलते हैं, बिल्कुल स्थिर होकर के बिना हिले डुले श्री जी की दृष्टि में दृष्टि डाल करके, ऐसा कहते हैं ना कि आंखों से देख करके दिल में उतर करके सुनते हैं। अब उन्हें शब्दों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, अब वो श्री जी के नजरों में दृष्टिपात करके दिल में उतर चुके हैं और अपने दिल में श्री जी को उतार चुके हैं।
चर्चा सुनने का जो उद्देश्य है वो मुरलीधर जी ने केवल बैठे बैठे श्री जी के सामने एक टक बैठे बैठे प्राप्त किया, केवल शब्दों को नहीं सुना है। और जब सुनते हैं, जब श्री जी के सामने इस प्रकार बैठते हैं तो कह रहे हैं, दिल दरियाओं खुलत हैं, कई लहरा उठत तरंग, श्रवणा देत जो साथ जी, कई उपजत अंग उमंग। श्री जी की चर्चा में सागर के रहस्य खुलते हैं। और सागर के रहस्य का तात्पर्य क्या है? ऐसा नहीं कि सागर ग्रंथ की जो कुछ हजार के आसपास चौपाई है उसका अर्थ करते, नहीं, सागर में सब कुछ आ जाता है। सागर क्या है? अक्षरातीत के हृदय में जितने भी गुण हैं, और जितने गुण का तात्पर्य क्या है, कितने गुण हैं? अनंत गुण। अनंत गुणों का जो अथाह सागर उमड़ रहा है, वास्तव में वही सागर है, जिसे इस संसार में आठ सागर के रूप में बताया गया है। वैसे तो क्या कहती है वाणी कि अक्षरातीत के हृदय में जो अनंत सागर है, उन अनंत सागर में से एक बूंद आया हक दिल से, तीन कायम किए थीर चर, इन एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। एक बूंद जो आया इस कालमाया के ब्रह्मांड में, जिसने इस ब्रह्मवाणी का रूप धारण किया है या रूप लिया है, जिसने इस संसार को अखंड मुक्ति का सौगात दिया है, सोची अक्षरातीत के हृदय में ऐसे अनेक सागर हैं, जो राज्य के सौंदर्य का सागर है, ब्रह्मात्माओं के सौंदर्य का श्रृंगार का सागर है, वहदत अर्थात एकत्व का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, कृपा का सागर है। जिन जिन गुणों का आप वर्णन कर सकते हैं, उन सभी गुणों का सागर राज्य के हृदय में है। और श्री जी की चर्चा में उन्हीं सागरों के रहस्यों को श्री जी बताते हैं, और ब्रह्मात्माएं उन लहरों को देखती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सागर को देख नहीं पाता है, क्योंकि सागर देखने का विषय नहीं है। सागर में तो डूबा जा सकता है, देखना हो तो क्या देखा जाएगा, लहरें दिख जाएंगी। जब हम बाहर होते हैं तो सागर की लहरें दिखती हैं, और जब डूबा जाता है तो सागर में डूबा जाता है। दिखने की जो अवस्था है वो हकीकत है, डूबने की जो अवस्था है वो मारिफत है। तो चर्चा सुनते समय सुंदर साध उन लहरों को देखते हैं। महाराजा छत्रसाल जी भी श्री जी की चर्चा से रिझते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब क्योंकि चर्चा एक दिन की बात नहीं है, इतने वर्षों तक चर्चा चली, कभी राज्य के हृदय के सागर की बात करते हैं, कभी शास्त्रों की बात करते हैं, कभी भागवत के वचन सुनाते हैं, कभी 40 प्रश्नों का उत्तर खोल करके बताते हैं, कभी वेदांत के 15 प्रश्नों की बात करते हैं, कभी 40 हदीसों की बात करते हैं, कभी परमधाम के भिन्न भिन्न पक्षों की बात करते हैं। क्योंकि अगर एक पक्ष की भी श्री जी चर्चा करें, एक पक्ष में भी डुबाने लग जाएं, तो प्रहर कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और ये वर्षों की बीतक है जिसमें श्री जी ने केवल शब्द से चर्चा नहीं सुनाई है। उस समय तो ऐसी लीला होती थी जिसको जागनी रास कहा गया है, कि सुंदर सा जो मन में भाव करते थे, जिसे देखने का भाव लेते थे, वो सुंदर साथ प्रत्यक्ष अनुभव कर पाते थे। जिसके लिए वाणी कहती है कि जाको दिल जिन भात सो, तासो मिले तिन विध, मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। वेद और कतेब को दो करत हैं एक, श्री जी अपनी चर्चा में वेद और कतेब दोनों का एकीकरण करते हैं। और कैसे करते हैं? जैसी आज तक कभी किसी ने भी नहीं की थी। श्री जी की चर्चा ऐसी होती है क्योंकि तुलना करने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए क्या कह रहे हैं कि आज लो कबहू न हुई, कई उपजे खपे ब्रह्मांड अनेक।
अनेक अनंत ब्रह्मांड बने और खप गए अर्थात समाप्त हो गए, पर ऐसा वर्णन आज तक किसी ने किया ही नहीं। और सुंदर साध्वी कैसे हैं, चर्चा चित्त दे होत है, श्रवणा देत सब साथ, हेत कर कहत है पकड़ के सैया हाथ। श्री जी चर्चा करते हैं, सब सुंदर साथ कान देकर ध्यान देकर सुनते हैं और श्री जी सभी ब्रह्मात्माओं का हाथ पकड़ करके सुनाते हैं, समझाते हैं, प्रबोधित करते हैं। हाथ पकड़ करके समझाने का तात्पर्य कि इधर उधर हिलने डुलने का सवाल ही नहीं, जो बात श्री जी किसी के हृदय में उतारना चाहते हैं उसे उतार देते हैं, ये है हाथ पकड़ करके सुनाना। ब्रजनयन और चंचल ये श्री जी की चर्चा सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, मोगे होके सुनत हैं और न होए इनसे, मौन होकर के गूंगे बन करके चुपचाप शांति पूर्वक सुनते हैं। मीठी रसना रस भरी अत सुंदर है बोल, श्री जी की रसना कैसी है, मधुर, और उस रसना से निकलने वाले शब्द भी कैसे हैं, वैसे ही मधुर। सोचिए कि इस संसार में कई वक्ता जो केवल बुद्धि बल से बोलते हैं तब भी उनकी चर्चा, उनके प्रवचन ऐसा लगता है जैसे सुनते जाए, ऐसा लगता है कि कितना ओजस्वी बोल रहे हैं, कितने प्रेम से बोल रहे हैं और लाखों लोग उनको सुनते हैं। सोचे कि साक्षात अक्षरातीत कैसी चर्चा करते होंगे, जब एक तरफ हम कहते हैं कि जाको नामी रसना होसी कैसी मीठी हक, तो श्री जी कैसा बोलते होंगे। अब कहूं इन जुबान की जो हेत कर फुरमाए, हेत करके अर्थात ब्रह्मात्माओं को लाभान्वित करने हेतु श्री जी अपनी जुबान से अहनिश युगल स्वरूप को वर्णन कर दिखाए। युगल स्वरूप का वर्णन करते दिन रात इसी प्रकार की चर्चा होती रहती है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण चौपाई श्री लालदास जी कहते हैं कि धाम धनी निज धाम को और न दाता कोई, धाम धनी और परम धाम को देने वाला कौन है, राज्य के अलावा और कोई हमें परम धाम दिखा सकता है, राज्य के अलावा और कोई राज्य के स्वरूप को दिखा सकता है। क्या कहते हैं, खुदा की साहेदी खुद खुदा देवे करे बयान हुकम सिर लेवे। और तो यदि इस संसार में कोई वर्णन कर भी रहा है तो वो शब्दों से कर रहा है, श्री जी तो केवल वर्णन नहीं करते, वो तो स्वरूप को देते हैं, सुंदर साथ के हृदय में उतारते हैं। तो देने वाले और कोई नहीं है और लेने वाले कौन है, ये लेने वाले साथ हैं और न समझे कोई, उसे लेने वाले भी परम धाम के सुंदर साथ है, ब्रह्मात्माएं हैं और कोई इसे ले ही नहीं सकता है। और श्री जी अपनी चर्चा में एक बात बारंबार सुंदर साथ को समझाते हैं कि सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल। सुख किसमें है, सुख किसमें, धाम में, और दुख किसमें है, खेल में। हम सुबह आरती करते हैं तो पहली चौपाई में ही कहते हैं सुख को निधान जय जय सुख को निधान। और खेल को दुख बताने का कारण ये है क्योंकि वैसे ही खेल दुख का कारण है, खेल दुख का मूल है। और यदि संसार के दुख का सुंदर साथ को पता नहीं चलेगा तो उस सुख की तरफ कैसे जाएंगे। जैसे आज सुंदर साथ कहते हैं ना कि क्या करें, माया हमें छोड़ती नहीं है, हमने जिस खंबे को ऐसे पकड़ रखा है, यदि हमें कोई ये बताने वाला हो कि समय रहते इस खंबे को अगर नहीं छोड़ा तो हाथ इसमें ऐसे चिपक जाएगा कि बाद में हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाएंगे, चाहते हुए भी नहीं छुड़ा पाएंगे, तभी हम छोड़ेंगे। और अगर ज्ञान दृष्टि से नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे, उस साधु की तरह जो एक बालक को बेर ला करके दे देता है, जैसे ही बेर उसको दिखाया गया उसने खंबा छोड़ा और हाथ बेर को पकड़ने के लिए आगे कर दिया। तो श्री जी परम धाम के सुखद बेरों को दिखा करके इस संसार के दुखद खंबे को छुड़ाते हैं। कैसे जगाते हैं, जगावत है जुगत से तीसरे तकरार लेल, इस तीसरे लैल अर्थात प्रातः
लैल का अर्थ होता है रात्रि, और इस माया की रात्रि में जो तीसरा तकरार है जो कि जागनी का ब्रह्मांड है, इसमें श्री जी युक्ति पूर्वक जगाते हैं और कहते हैं कि तुम ना ही इन खेल के याद करो निज धाम। ये भिन्न भिन्न दिनों की चर्चाएं हैं। श्री लालदास जी ने संक्षेप में वर्णन किया है, क्योंकि श्री जी की अगर एक दिन भर की भी चर्चा लिखें, अभी हम स्वामी जी के द्वारा की गई चर्चाओं को एक ग्रंथ का रूप देने के लिए लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, एक घंटे की जो चर्चा होती है वो जब हम गद्य के रूप में लिखते हैं, पैराग्राफ के रूप में, चौपाई के रूप में नहीं, गद्य के रूप में जब लिखते हैं तो एक घंटे की चर्चा लगभग लगभग 24-25 पृष्ठ में आती है, वो भी फॉन्ट छोटे हैं। यदि चौपाई के रूप में लिखा जाए तो यूं समझ लीजिए कि एक घंटे की चर्चा लगभग कम से कम 250 से 300 चौपाइयां बनेंगी। मैं केवल समझने के लिए बात बता रहा हूं। और श्री जी दिन में कम से कम 6 घंटे चर्चा करते थे, केवल एक दिन की चर्चा भी चौपाई के रूप में लिख देते तो कितनी चौपाइयां होती, कम से कम 1800 के आसपास चौपाई होती एक दिन की चर्चा, और एक वर्ष की, और इसी हिसाब से 10 वर्ष का अंदाज लगा लीजिए, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए धामधनी अक्षरातीत की प्रेरणा से श्री लालदास जी ने केवल सुंदर सात को एक तरह से रेखा चित्र तैयार कर दिया, एक छोटा सा खाका तैयार किया कि सुंदर सात काल्पनिक तरीके से समझ पाए कि ऐसा ऐसा होता होगा। तो आगे क्या कहते हैं कि श्री जी समझा रहे हैं, तुम ना ही इन खेल के याद करो निज धाम। आप इस खेल के नहीं हो, आप परम धाम को याद करो। इससे पहले 2 बार हम माया में आ चुके हैं और तुम दोनों बार भूल चुके हो राज्य को, और दोनों बार माया को देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। ये तीसरी बार तुम आए हो, और तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए मैं हर बार तुम्हारे साथ आया हूँ, इस तरह से चर्चा सुनाते हैं। फिर कभी कयामत के 7 निशानों की चर्चा करके बताते हैं, कभी 4 वसीयतनामे के विषय में बताते हैं। अब 7 निशान जो कयामत के हैं वो भी, उसकी भी व्याख्या बहुत बड़ी होती है। इसी तरह से इसारुअल्लाह, इमाम मेहंदी, काना, दज्जाल, सब के विषय में श्री जी बताते हैं। और जब श्री जी चर्चा करते हैं, कहते हैं इन चर्चा में बोलन की काहू न रहे मजाल। चर्चा के बीच में बोलने की, हिलने की, मस्ती करने की, हंसने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती है। भानने को ठाड़ा रहे सोई करत दज्जाल। दज्जाल तो तैयार होता है परेशान करने के लिए। इसका तात्पर्य क्या है समझ रहे हैं कि यदि राज्य की चर्चा के बीच में किसी भी प्रकार की बाधा आती है, किसी भी तरह का व्यवधान आता है, तो वह दज्जाल का काम होता है। श्री लालदास जी कह रहे हैं कि इन चर्चा में बोलन की काहू न रहे मजाल, भानने को ठाड़ा रहे सोई करत दज्जाल। दज्जाल का तो काम ही यही है, परेशान करना। किसको परेशान करना? ब्रह्मात्माओं को। किससे रोकना? आत्म जागृति से, राज्य से मिलने से रोकना। पर सुंदर सात उस दज्जाल की तरफ ध्यान नहीं देते। अब कहते हैं श्री महामत कहे ए साथ जी, सुनियो चित दे तुम, अब आरोगन के बखत का हुआ है हुकम। अब चर्चा करते करते दोपहर के भोजन का समय हो जाता है। सुबह 9 बजे के आसपास से चर्चा प्रारंभ होती है और लगभग 11:15 बजे तक, मतलब 2.25 घंटे तक अभी चर्चा पहुंची होती है कि इतने में हनुमंत बाई अर्जी करती हैं आकर के कि श्री जी भोजन ले आए। श्री जी ने संकेत में कह दिया कि ठीक है, आप जा करके ले आओ। अब ऐसा नहीं कि भोजन पहले से तैयार है, मैं छोटी छोटी बारीकियां बता रहा हूं सेवा की। ऐसा नहीं कि भोजन पहले से तैयार है, क्योंकि सुंदर साथ को पता है कि श्री जी कभी भी तुरंत तो खाएंगे नहीं,
पहले तो क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के बाद में स्नान भी होगा, तो इसलिए भोजन पहले से बना करके नहीं रखते हैं, पहले श्री जी से जाके पूछते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि श्री जी रोक देते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए रुको, क्योंकि प्रसंग वैसा ही चल रहा होता है कि तुरंत रोकने का मन नहीं होता। हम तो क्योंकि अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचे ना, हमें देखना है कि 5 बजे तक चर्चा खत्म नहीं होगी तो दूसरे काम नहीं होंगे, इसलिए हमें माया के सारे काम करने हैं, इसलिए हम बंधे हुए हैं। वहां तो ऐसा कुछ था नहीं, वहां केवल राज्य की बात होती है, इसीलिए जब तक किसी प्रसंग को श्री जी पूरा नहीं कर देते तब तक उसको रोकते नहीं है, इसीलिए पहले श्री जी के पास आकर के पूछा जाता है। फिर श्री जी अगर अनुमति देते हैं तो हनुमंत बाई जाती हैं, बाईजीरा जी से कहती हैं कि श्री जी ने आज्ञा दे दी है। उसके बाद भोजन बनाना प्रारंभ करते हैं। अब भोजन बनाने में भी तो सभी प्रकार के वस्तुओं को तैयार करने में लगभग 1 घंटे का समय तो लग जाता है। अब उधर बाईजीरा जी कुछ सुंदर साथ के साथ मिल करके श्री जी के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, और इधर श्री जी कई बार तो चर्चा आगे लेकर के जाते हैं और कभी कभी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब भोजन का आग्रह आ चुका है तो इसीलिए कहते हैं, हुक्म हुआ श्रीराज का, ल्याओ धोती पोती तेल, सेवा के शामिल मिलो, अब आऊं तुम्हारी गैल। कहते हैं कि गैल मतलब पास में, कहते हैं कि ठीक है अभी मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, चलो अब धोती लेके आओ, दूसरे वस्त्र लेके आओ, तेल लेके आओ, क्योंकि श्री जी चर्चा के बाद भोजन से पहले स्नान करते हैं। अब स्नान के बाद वस्त्र बदलेंगे, और होता क्या है पहले के समय में, अभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहाने से पहले अपने शरीर में अमूमन सरसों का तेल लगाते हैं, कोई कोई तिल का तेल भी लगाते हैं, कोई नारियल का भी लगाते हैं, पर अधिकतर लोग सरसों का तेल लगाते हैं। इससे क्या होता है, इससे मांसपेशियां और हड्डी मजबूत होती है। ये परंपरा पहले थी, आज तो मैं देखता हूं कि जो युवा वर्ग है विशेष रूप से वो तेल से दूर रहता है, सिर में वो तेल लगाना पसंद नहीं करता, और विशेष रूप से क्या कहते हैं, क्योंकि जो मार्केट में या टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट पे आता है ना, जेल हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, या विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो ट्रीटमेंट आते हैं वो लगाते हैं चेहरे पर, विभिन्न प्रकार के मॉइस्चराइजर से लेकर के पता नहीं बॉडी लोशन है क्या क्या है, मुझे तो आइटम भी याद नहीं है। आज आप यदि बाजार जाते हैं तो 50% जो बाजार है वो इन्हीं चीजों का है, बाकी 50% में खाने पीने की जो चीजें हैं या स्टेशनरी हो गया, कपड़े हो गया, वो सब बाकी चीजों में आता है 50% में, लेकिन 50% चीजें केवल कॉस्मेटिक्स के हैं, और इसमें भी अधिकांश तो महिलाओं के होते हैं। 100% मार्केट में से 10% पुरुषों की हिस्सेदारी होती है, क्योंकि उनकी चीजें बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा वो किस क्या प्रयोग करते हैं, बालों के लिए जेल, हेयर स्प्रे और डीओ या कोई परफ्यूम, नहाने के लिए साबुन, और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ लगाते होंगे। ठीक है, अधिकांश लड़कों को शैम्पू और दूसरा क्या आता है, शैम्पू जैसा ही कंडीशनर, शैम्पू और कंडीशनर में भी फर्क नहीं पता होता है। तो लेकिन वर्तमान में प्रचलन ये चला है कि पुरानी जो परंपरा है उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छी परंपरा नहीं है, ये गंदी परंपरा है, और जो एलोपैथी डॉक्टर होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी इन सब चीज़ों से दूर रहने की सलाह देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये वाला तेल प्रयोग नहीं करना, वो नहीं करना, इससे ये नुकसान होता है। और फिर जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज की जो दवाइयाँ होती है उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि आज भी अगर कोई एलोपैथी का भी अच्छा डॉक्टर होता है तो वो नहाने के बाद कम से कम शरीर में तेल लगाने की सलाह देता है, तो ये नुकसानदायक नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं तेल लगाने से हमारे चेहरे पर वो कील मुहासे आ जाते हैं या फिर हम काले पड़ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तेल लगाने से ना मुहासे आते हैं ना काले पड़ते हैं। यदि आप तेल लगा रहे हैं और चेहरे पर मुहासे आ रहे हैं तो इसके कारण कुछ और है। उसका कारण यह है कि आप नहाने से पहले यदि आपका सिर मैला है और उसमें आपने अगर तेल डाला वो अंदर गया तब नुकसान हो सकता है। यदि आप प्रतिदिन स्नान करते होंगे और नियमित रूप से उन नियमों का जो हमारे बुजुर्ग पालन करते थे उसका पालन करते होंगे सही तरीके से तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। पर फैशन के नाम पर आजकल बाल वगैरह सूखे रखने का प्रचलन चल रहा है। श्री जी स्नान से पहले शरीर में तेल लगाते हैं और तेल लगाने के बाद स्नान के लिए तैयार होते हैं। अब तेल लेकर के श्री जी को लगाने की सेवा करते हैं गोदावरी जी, गंगाराम जी, अगरदास जी, जो श्री जी के शरीर की मालिश करते हैं, बंसी हैं, सीताराम है, ये सभी सेवा में शामिल हैं। एक ही सेवा है जिसमें अनेक सुंदर साथ सेवा करते हैं। उसके बाद जो तेल बचता है वो भी सुंदर साथ प्रसाद समझ करके ले लेते हैं और अपने सिर पर, अपने शरीर पर लगाते हैं। ये भाव है उनका श्री जी के प्रति। उसके बाद धोती तथा अन्य वस्त्र लेकर के लालदास जी आते हैं। माणिक भाई जी गर्म जल की व्यवस्था करते हैं ऋतु के अनुरूप स्नान के लिए और गर्म जल लेकर आते हैं माणिक भाई, पर उसमें मिलाने के लिए तो ठंडा जल भी तो चाहिए होता है बैलेंस बनाने के लिए। तो गंगाराम और भगवान जी ठंडा जल लेकर के आते हैं, ताजा जल, और उसको मिलाते हैं और सुंदर साथ श्री जी का झिलना कराते हैं। नहलाना तो सामान्य मनुष्य के लिए है ना, शब्दों के चयन का भी फर्क पड़ता है कि हमारे मन में किसी के प्रति कितना सम्मान है। वैसे तो अर्थ एक ही होता है पर हमारे साहित्य ने यदि शब्द दिया है तो वो प्रसंग के अनुरूप दिया है। जैसे आप चरण कहें, पैर कहें या टांग कहें, तीनों का अर्थ एक ही होता है पर किसी से अगर क्रोध आया है तो हम कहेंगे कि इसकी टांग तोड़ दूंगा मैं, ठीक है। टांग अगर कहेंगे तो वो गुस्से में प्रयोग होगा या नकारात्मक अर्थ में। जैसे टांग अड़ाना बोलते हैं ना कि किसी के काम में टांग मत अड़ाओ, कोई ये नहीं कहेगा कि चरण मत अड़ाओ, पांव मत अड़ाओ, मैं आपके चरण तोड़ दूंगा, ऐसा कोई नहीं बोलता है। अर्थ एक ही है सबका, पैर ही है, पर सभी शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कोई सामान्य मनुष्य हमारे घर में आता है तो हम कहेंगे आइए, और कोई महापुरुष का आगमन होगा गुरु या सदगुरु का तो हम कहेंगे पधारिए, ठीक है। किसी को कहेंगे खाना खा लो, किसी को कहेंगे भोजन ले लो, किसी को कहेंगे भोजन ग्रहण कर लीजिए, किसी को कहेंगे प्रसाद ले लीजिए। सबका अर्थ खाना ही होता है पर शब्दों के चयन का फर्क पड़ता है। तो साधारण लोग नहाते हैं, थोड़े जो महान लोग हैं वो स्नान करते हैं और अपने आराध्य को झिलना कराया जाता है। तो सुंदर साथ श्री जी का झिलना कराते हैं और उस समय गाते हैं अणी हारे झीलन रंग सुहामणा। सुंदर साथ गाते हैं और गाने की सेवा करने वाले हैं कन्नड़, गंगाराम, ताराबाई, ये सब सुंदर साथ साथ में मिल करके गाते हैं। अब श्री जी के स्नान के लिए क्योंकि चौकी पर बैठ करके स्नान करते हैं, मानबाई चौकी लेकर के आती हैं और चौकी थोड़ी ऊंची है। श्री जी चौकी पर बैठते हैं, पांव रखने के लिए एक छोटी सी नीची सी पाटली लेकर के आते हैं, रतनबाई ये सेवा करती हैं। एक एक सेवा के लिए एक एक सुंदर साथ निर्धारित है और श्री जी स्नान कर रहे हैं। अब किसी सुंदर साथ के मन में भाव है कि मान लीजिए कि अगर कोई चिड़िया पक्षी ऊपर से उड़ते जाए और संयोग से कुछ विष्टा विष्टा कर दे तो ऐसा न हो, इसके लिए और केवल ऐसी सावधानी नहीं सम्मान के लिए भी श्री जी स्नान कर रहे हैं। तो ऊपर चंद्रवा तानने की जो सेवा है वो रतनबाई करती हैं।
और माणिक भाई श्री जी को जल में लोटा भर भर करके प्रेम से स्नान कराते हैं। लालदास जी भी सेवा करते हैं। स्नान के बाद छबीलदास वृंदावन आदि सुंदर साथ श्री जी के अंगों को पोछते हैं। बीच बीच में कभी श्री जी हंसी मजाक करते हुए जल लेकर के सुंदर सात को छींटे डालते हैं। कभी कभी महाराजा छत्रसाल जी पहुंचते हैं। देखिए छत्रसाल जी का वर्णन प्रत्येक प्रहर में प्रत्येक सेवा में मिलता है। पहले उठाने के समय में प्रातः के पहले प्रहर में वस्त्र पहनाने भी आए थे, चर्चा सुनने में भी उनका वर्णन आ रहा है। कभी स्नान के समय में भी वो पहुंचते हैं और क्या कह रहे हैं, अंग पोछन हाथ पकड़न की सेवा करते हैं। तब जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो श्री जी के अंगों को पोछने की, हाथ पकड़ करके इधर उधर ले जाने की सेवा करते हैं। और कभी श्री जी हंसी करते हुए ललिता सखी पर जल का लोटा डाल देते हैं, क्योंकि ललिता सखी का वर्णन हम मेरता के प्रसंग में भी सुन चुके हैं। किस तरह से जिनका शरीर कुरूप था और श्री जी ने जल छिड़का तो वो सर्वांग सुंदरी बनी, अंदर बाहर दोनों से सुंदर, स्तन भी सुंदर बना, मन जीव भी सुंदर बना, आत्मा तो उनकी सदा सर्वदा सुंदरी है। और वो ललिता सखी सब कुछ छोड़कर के पन्ना जी पहुंची हैं तो उनके साथ बीच बीच में इसी प्रकार की हंसी की लीला होती है। अब वहां श्री जी जब स्नान कर भी रहे हैं, सुंदर साथ हंसी कर रहे हैं, बीच बीच में झीलन रंग सुहामणा का गायन होता है। इसके बाद यदि सुंदर साथ खाली होते हैं तो केशव दास जी अभी भी वाणी पढ़ते हैं, वाणी बाँच करके सुनाते हैं। अब उसके बाद सुंदर साथ प्रेमदास हैं, लालदास हैं, श्री जी को वस्त्र पहनाते हैं। जहाँ चल रहे हैं, क्योंकि स्नान करके भोजन के स्थान तक पहुँचना है तो पावड़ा बिछाने की सेवा रतनबाई करते हैं, खड़ाऊ पहनाने की शोभा वल्लभदास जी करते हैं, रेशमी पावड़ा बिछाने की सेवा जो है एक पावड़ा रतनबाई बिछा रही थी, एक पावड़ा दीपाबाई बिछाती हैं, जिस पर चल करके श्री जी मस्तानी चाल से, मस्ती भरी लटकनी मटकनी चाल से चलते हुए आते हैं। सुंदर साथ घेर करके वाणी गायन कर रहे हैं, गा करके श्री जी को रिझाते हैं। और उधर बाईजीराज जी के साथ सुंदर साथ आते हैं भोजन लेकर के, चांदी की थाली है और थाली के ऊपर चार सुंदर साथ चंद्रमा पकड़ते हैं। चंद्रमा मतलब समझ लीजिए कि कोई सुंदर सी चादर है जिसके चार कोने में चार लोग पकड़ते हैं और श्री जी का भोजन लेकर के चलने वाले सुंदर साथ के ऊपर वो चंद्रमा तान करके साथ साथ में चलते हैं। और उस जो चांदी की थाली है इसको बाईजीरा जी ने अपने हाथ से धो करके रुमाल से पोंछ करके तैयार किया है। उसके ऊपर सोने और चांदी की 10 कटोरियां हैं, बड़ी सी थाली है, उसके ऊपर 10 कटोरियां हैं और उन 10 कटोरियों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, दाल है, जो भी भोज्य सामग्री है वो उसमें रखी है। अब मध्यान्ह को बाईजीराज जी तुलसी राधा रुक्मिणी इन सब के साथ भोजन लेकर के चलती हैं। करना एक सुंदर साथ है, वो बाईजीराज जी के सामने भी पावड़ा बिछाते हैं कि ये श्री जी का भोजन लेकर के आ रही है। मैं इसलिए एक एक चीज को यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि सुंदर साथ के मन में श्री जी के प्रति क्या भाव है वो दर्शाना है। अब बिहारी दास जी आते हैं, श्री जी की जो तखत है उसके सामने गादी और रेशमी चाकले उस पर बिछाते हैं, दोनों तरफ तकिए रखे हुए हैं। श्री जी आते हैं, उस पर आकर के विराजमान होते हैं, दोनों तरफ श्री जी का हाथ पकड़ करके बिठाने के लिए सुंदर साथ हैं। एक तरफ लालबाई है, एक तरफ धनबाई है। ललिता सखी आती हैं और अपनी राजस्थानी भाषा में, क्योंकि मेरता जो कि राजस्थान में पड़ता है तो वो राजस्थानी भाषा में श्री जी को घणी खम्मा बोलती है। इसका भाव तो होता है कि माफ करिए, लेकिन वहां पर गलती की क्षमा याचना नहीं कर रही हैं, वो केवल प्रेम से श्री जी को उस शब्द का प्रयोग करके सुनाते हैं। अब
और सन्मुख गावन को मुकुंद दास बैठे। अब श्री जी के भोजन का समय होने वाला है, तो श्री जी भोजन कर रहे हैं तब भी सुंदर सा चुपचाप नहीं बैठे हैं, अपनी सेवा तो वो कर ही रहे हैं। मुकुंद दास जी, कन्नड़, ललिता सखी, परमानंद, बिंदा, गंगाराम, मानबाई, ये सभी सुंदर साथ गायन के लिए तैयार हैं। वाणी का गायन करके सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्रीय राग का प्रचलन भी था, सुंदर साथ रागों में गाते थे। वाणी भी अवतरित हुई है तो उसमें विभिन्न रागों का वर्णन आया है। तो सुंदर साथ वाणी गायन करके श्री जी को रिझाते हैं। अब बाईजीराज जी श्री जी का हाथ पखारती हैं, हाथ धुलाती हैं, रुमाल लेकर के लालबाई जी श्री जी का हाथ पोंछती हैं और अब श्री जी को भोजन ग्रहण कराया जाता है। प्रसाद श्री जी ग्रहण करते हैं। बाईजीराज जी श्री जी के निकट रहती हैं जब भोजन का समय होता है, क्योंकि कोई वस्तु श्री जी को पसंद आई तो श्री जी कहते हैं कि ये वस्तु चाहिए, और ऐसा नहीं कि श्री जी को उस वस्तु की तृष्णा है, क्योंकि श्री जी साक्षात अक्षरातीत हैं। यहां इस संसार में तो योगियों के लिए भी जो समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, जो विदेही अवस्था में पहुंचे होते हैं, उनके लिए भी कहा जाता है कि तत्र को विधि को निषेधः। वहां उस अवस्था में पहुंचने के बाद विधि और निषेध लगता ही नहीं है। पर श्री जी तो सुंदर साथ को रिझाने के लिए कि बाईजीराज जी के मन में इस बात की प्रसन्नता हो कि मेरी सेवा से श्री जी प्रसन्न हुए हैं, मेरी सेवा श्री जी को पसंद आई है, इसीलिए वो रुझ करके सामग्री मंगाते हैं। सब्जी है, अचार है, इस तरह से मंगाते हैं तो बाईजीराज जी लेकर के पुनः हाजिर होती है। इस तरह से श्री जी आरोगते हैं। उसके बाद पहले वहां जो महिला सुंदर साथ है उनको प्रसाद दिया जाता है, फिर बाकी और जो सुंदर साथ हैं, पुरुष सुंदर साथ, उनको भी प्रसाद दिया जाता है। श्री जी भोजन के बीच बीच में थोड़ा सा जल लेते हैं। जल अध बीच में देवे छबीलदास, पीक दानी तले धरत वल्लभ मोमिन खास। छबीलदास जी बीच में श्री जी को जल देने की सेवा करते हैं। आज से लगभग 10-15 साल पहले तक भी हम ये सुनते थे कि भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, पर श्री जी पी रहे हैं तो ऐसा लगता है कि क्या श्री जी आयुर्वेद के विरुद्ध चल रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में बीच में पानी पीने का विधान है। एक ग्रंथ है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम। उसमें कहा है कि भोजने अमृतम वारी, भोजनांते विषप्रदम। आयुर्वेद का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें कहा है कि भोजन के बीच में पानी पीना अमृत के समान है और भोजन करने के तुरंत बाद पीना विष के समान है। इसलिए जब हम भोजन कर रहे हैं तो बीच बीच में आधा घूंट एक घूंट पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि वात दोष इत्यादि होने का खतरा कम रहता है, और जिसको सामान्य वात रोग है वो इसी प्रक्रिया से समाप्त हो जाता है। तो श्री जी बीच में जल आरोगते हैं। उसके बाद श्री जी पान का बीड़ा लेते हैं। बीड़ी नहीं, पान का बीड़ा, पान ले रहे हैं। केवल शौक के लिए नहीं, पान आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस की समस्या होती है, टॉन्सिल मतलब जो गले में दर्द होता है ना इस जगह पर, तो उनको बार बार दर्द होती है, थूक निगलते समय भी दर्द होता है, पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, तो जिनको बार बार ऐसी समस्या होती है वो यदि सादा जो पान का पत्ता होता है, उसमें तंबाकू या चूना वगैरह नहीं मिला होना चाहिए, सादा जो पान का पत्ता होता है उसको चबा चबा करके धीरे धीरे करके उसके रस को लेते हैं तो इसकी समस्या समाप्त होती है। पर कई लोगों को इसका नशा होता है, क्योंकि लोग उसमें सुपारी डाल करके और विभिन्न प्रकार के पता नहीं कत्था है, चूना है, ये सब लगा करके खाते हैं, तो इसका फिर नुकसान भी होता है। तो आयुर्वेद के रूप में प्रयोग करना चाहिए।
तो श्री जी पान का बीड़ा लेते हैं, भोजन के बीच में दूध दही ऋतु के अनुसार दूध दही श्रीखंड इत्यादि बाईजीराज जी लेकर के आती हैं और श्री जी को अरोगाती हैं। श्री जी तो क्योंकि अब इतना सारा तो ग्रहण नहीं करेंगे, थोड़ा सा केवल भाव रखने के लिए लेते हैं और बाकी सुंदर साथ में बांट देते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ श्री जी को भोजन ग्रहण कराते हैं। जब कभी महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो श्री जी को अपने हाथ से भोजन कराते हैं, अपने हाथ से पान का बीड़ा देते हैं, अपने हाथ से तांबूल देते हैं। कहते हैं श्री राज रीझ के कहत है कोई नहीं सेवा इन तौल। छत्रसाल जी की सेवा की तुलना में और किसी सुंदर साथ की सेवा नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी व्यस्तता के बावजूद भी वो उस सेवा में शामिल होते हैं। उसके बाद अब भोजन की लीला हो गई। सुबह से श्री जी बैठे हुए थे, आराम नहीं किए हैं, तो अब सुंदर साथ सोचते हैं कि श्री जी थोड़ी देर के लिए लेट जाए, थोड़ी देर के लिए आराम करें। अब सोते तो नहीं है लेकिन लेटना होता है, तो भोजन के तुरंत बाद तो लेटेंगे नहीं, इसलिए थोड़ी देर के लिए श्री जी माणिक भाई जी के घर जाते हैं। रास्ते में सुंदर साथ पावड़ा बिछाते हैं, लक्ष्मीदास जी श्री जी का हाथ पकड़ करके उठाते हैं, गंगादास जी श्री जी को एक आशा अर्थात एक लाठी ला करके देते हैं। उस लाठी को श्री जी एक शोभा के रूप में हाथ में धारण करते हैं और लटकनी मटकनी मस्ती भरी चाल से चलते हैं, मीठी मीठी बातें करते हुए सुंदर साथ को भी रिझाते हुए चलते। केवल सुंदर साथ श्री जी को नहीं रिझा रहे हैं, श्री जी भी सुंदर साथ को रिझाते हैं। चाहे वो भोजन का समय हो, चाहे वो स्नान का समय हो, चाहे चलते समय मस्ती भरी चाल से सुंदर साथ को रिझाने का हो, हर प्रकार से श्री जी भी ब्रह्मात्माओं को रिझाते हैं। अब एक तरफ महाराजा छत्रसाल जी हाथ पकड़ते हैं, एक तरफ लालदास जी, फिर थोड़ी देर के बाद प्रेमदास जी मकरंद जी दोनों को कहते हैं कि अब थोड़ी देर हमें हाथ पकड़ने की सेवा करने दीजिए। इस तरह से बारी बारी से सुंदर साथ श्री जी का हाथ पकड़ करके चलाते हैं। श्री जी के पौढ़ने के लिए द्वारका दास तथा प्रेमदास जी बिछौने बिछाते हैं और चारों तरफ बिछाए पावड़े प्रदक्षिणा के गिरद, बंगला जी दरबार के चारों तरफ पावड़े बिछाते हैं जिससे कि श्री जी उस पर चल सके। अब सुंदर साथ का जुथ है, श्री जी चल रहे हैं तो सुंदर साथ का पूरा जमात ही श्री जी को घेर करके चलता है, वाणी का गायन करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक। और ये सब सुंदर साथ कौन है, कौन इस प्रकार की सेवा कर सकता है, जाके राजे पकड़े हाथ। राजी ने जिसका हाथ पकड़ा है, और राजी ने उनका हाथ कैसे पकड़ा है, क्योंकि उन ब्रह्मात्माओं ने अपना हाथ राज्य की तरफ दिया है। जो अपना घर बार छोड़ करके राज्य पर पूर्ण ईमान ला करके आए हैं तो उनका हाथ राज्य ने पकड़ा है और वो इस तरह से सेवा कर रहे हैं। सैया राज रिझावत वचन मीठे बोल, सुंदर साथ राज्य को रिझाते मीठे बोलो से, और श्री राज रिझावे सैयन को कोई नहीं इन सुख तौल। श्री जी भी सुंदर साथ को रिझाते हैं और इसमें सुंदर साथ सहित श्री जी को जिस सुख की अनुभूति होती है इसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, उसकी तुलना भी इस संसार के सुख से नहीं की जा सकती है। कभी रास की वाणी का गायन करते हैं, कभी ब्रज लीला का गायन करते हैं, इस प्रकार श्री राज जी को रिझाते हैं। अब परिक्रमा करके, परिक्रमा करने का मतलब भोजन के बाद थोड़ा सा टहल रहे थे एक दो जगह पर जा करके, फिर लटकनी मटकनी चाल से आते हैं और अपने पलंग पर विराजमान होते हैं। बाईजीराज जी क्योंकि अभी तो श्री जी की सेवा में शामिल हैं, इन्होंने भोजन नहीं किया, और भी कुछ सुंदर साथ हैं जिन्होंने भोजन नहीं किया, तो श्री जी के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से लौटते हैं। और इसके पश्चात दो प्रहर पूरा होता है और तीसरा प्रहर प्रारंभ होता है। तीसरे प्रहर में श्री जी अपने बिछौने पर अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अब यहां
जो जो सुंदर साथ आराम करना चाहते हैं, क्योंकि शरीर ही है, नश्वर शरीर है, पार्थिव शरीर थक जाता है, तो कुछ सुंदर साथ को लगता है कि थोड़ी देर आराम किया जाए, क्योंकि शाम को भी चर्चा में बैठना है, कईयों को भोजन भी करना है, नित्य क्रियाएं वगैरह होती है, तो इसलिए कुछ सुंदर साथ जिनको जाना होता है वो श्री जी के चरणों में प्रणाम कर करके जाते हैं, और कई सुंदर साथ जो इस समय सेवा में नहीं थे वो अपनी सेवा में आते हैं। संयों चरण लाग के मंदिर अपने फिरत, अपने अपने मंदिरों में गए, वहां एक सुंदर साथ आती है, इनका नाम है जीजी बाई। इन्होंने सेवा क्या की, आपको लगेगा कि इसमें कौन सी सेवा है, इसमें कौन सी बड़ी सेवा है। वो आती है श्री जी के चरणों में प्रणाम करके कहती है, श्री राज मारो टपले। टपली मारना समझते हैं क्या होता है, जैसे सिर हुआ तो यहाँ पर ये हो गया टपली मारना, उसका भी नाम श्री लालदास जी ने लिख के दिया। अब प्रश्न ये होता है कि इसमें कौन सी बड़ी सेवा है, टपली मरवाना क्या सेवा है इसमें। वास्तव में इस विषय में मैंने बहुत विचार किया, तो मुझे इसमें ऐसा लगा, ये मेरा व्यक्तिगत भाव है, हो सकता है कि आपका विचार इससे कुछ भिन्न हो, आपके विचार इससे भिन्न हो तो आप मुझे बता सकते हैं, पर मेरा भाव इसमें ये है कि सेवा का उद्देश्य है अपने प्रियतम को रिझाना। जीजी बाई के ऐसा करने से श्री जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, क्योंकि एक बार किया तो सामान्य लगेगा, अगले दिन भी फिर आकर के कहेंगे कि श्रीराज मारो टपले तो थोड़ी सी हंसी आएगी, लेकिन प्रतिदिन अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा, देखते ही, उनको देखते ही क्या होगा, वो घटना याद आएगी और चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। जिससे प्रेम हो उस प्रियतम के होठों पर मुस्कुराहट लाना भी एक सेवा है, और इस सेवा के लिए प्रयास सबका अलग अलग हो सकता है। अब हो सकता है कि जीजी बाई किसी और प्रकार की सेवा करने में उनकी सामर्थ्य ना हो, तो वो इतना करके भी सोचती हैं कि मेरे ऐसा करने से श्री जी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ऐसा करने से श्री जी रिझ रहे हैं। तो प्रतिदिन जब श्री जी लेटे होते हैं, पौढ़े होते हैं, तो आकर के कहते हैं श्री राज मारो टपले। अब इस समय राधा बाई जी आती हैं श्री जी के साथ और श्री जी के सिर की मालिश कर देती हैं। गुल जी और अगरदास आते हैं और श्री जी के पांव दबाते हैं। माया राम जी आते हैं और वाणी गायन करके सुनाते हैं। तमुरा में तांत सो गावे जगन्नाथ जुगत, तंबूरा अर्थात तानपुरे में ताना दे करके शास्त्रीय राग में, क्योंकि तानपुरा अगर कोई बजा करके गाता है तो वो सुर में गाता है, सुर लेने के लिए। तो जगन्नाथ जी तानपुरा बजा करके गाते हैं, कभी धाम का वर्णन गाते हैं। गजपत गहरा पंसों गजरत है मुखबान, गजपत जी गहरे पन से गंभीर आवाज के साथ में अपने मुख से वाणी की गर्जना करके गाते हैं। साखी कहवे साख को ले दर्द खड़ा ईमान, और विभिन्न प्रकार की साखियां साक्षी देने के लिए, प्रमाण देने के लिए उसका गायन करते हैं। श्री जी पौड़े हुए हैं और वाणी गाने की 14 बारियां बटी हुई है, एक के बाद एक 14 नहीं, पूरे 24 घंटे में 8 प्रहर में 14 बारियां, और प्रत्येक समूह में अलग अलग सुंदर साथ हैं कि 5-7 लोगों का समूह है, और सबको लगता है कि हमें कम से कम एक बार तो गाने को मिले, और आ करके श्री जी को सुनाते हैं, श्री जी को रिझाते हैं। चंद्रावली रिझावत गाए के पंजाब के वचन, दर्द उपजावे दिल को स्याबास कहिए तिन। चंद्रावली एक सुंदर साथ है जो उस समय पंजाब की भाषा में वचन भजन बना करके गा करके श्री जी को रिझाती थी। अब कई बार सुंदर साथ इस चौपाई को पढ़ते हैं और बोलते हैं कि श्री जी के समय में भी तो भजन चलता था, फिर स्वामी जी भजन के लिए क्यों मना करते हैं। इसलिए मना करते हैं कि उस समय जो भजन बनाए जाते थे वो किसी फिल्म के धुन पर नहीं होते थे, और दूसरी बात कि श्री जी प्रत्यक्ष सामने हैं तो कोई वाणी विरोधी भजन भी नहीं हो सकता था।
आज तो दोनों बातें होती है, एक भजन में ही वाणी के सिद्धांत का विरोध होता है और दूसरा फिल्मी धुन के आधार पर बनाते हैं। और कई भजन तो ऐसे ऐसे गाने के धुन पर बने हैं कि उस गाने को आप सबके सामने सुन भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे भजन के धुन पर गाने बनते हैं, इसलिए मना किया जाता है। एक भजन आज से कुछ समय पहले बना था, पर आत्म से देखा तो अर्श पिया। अब जैसे ही ये भजन सुनेंगे, ये बहुत प्रसिद्ध एक गीत है जो लगभग सबने सुना होगा, क्योंकि किसी समय में जो बॉलीवुड में गाने वाले हैं उदित नारायण, कुमार सानू, ये सब प्रसिद्ध थे, तो उन्हीं का गाना है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। भजन है पर आत्म से देखा तो अर्श पिया। अब पहली बात तो ये कि भजन सुनते ही उस गाने की याद आएगी, फिर गाने के बोल की तरफ दिमाग जाएंगे, और दूसरा सैद्धांतिक रूप से इसलिए भी गलत है क्योंकि अभी हम परात्म से परम नाम को देख ही नहीं सकते। एक और भजन बना था, देखो देखो रे नजर रूहों खोल पिया को पर आत्म से, अभी हम आत्मा से देख सकते हैं, पर आत्म से तो परम नाम में जागृत होने के बाद देखेंगे। तो इसीलिए भजन वाणी के सिद्धांत के विपरीत होते हैं कई, इसलिए भी मना किया जाता है, और फिल्मी गानों के धुन पर बने होते हैं जिसको सुनने पर ध्यान उस फिल्म की तरफ जाता है, और उस फिल्म में यदि कोई ऐसे दृश्य हो तो फिर कहाँ तो भाव होना चाहिए राज्य का, और भाव बदल करके फिर मायावी विकार की तरफ जाता है, इसीलिए भजन के लिए मना किया जाता है। एक चंद्रावली के अलावा और कोई तो अपवाद नहीं मिलता, और चंद्रावली ने भी कभी कभी सुनाया होगा और नियमित भी सुनाती होंगी, तब भी पंजाबी में उस समय वैसे भजन नहीं थे ना जो फिल्म के धुन पर होते थे, शास्त्रीय राग होता था या पंजाबी टप्पे होते थे, जिसको सुन करके कोई भी विकार वाले भाव नहीं आ सकते क्योंकि उस समय तो फिल्म बनते ही नहीं थे, इसीलिए वर्तमान में मना किया जाता है। हाँ, यदि कोई भजन ऐसे हो जो वाणी के सिद्धांत से मेल खाते हो और वो भी शास्त्रीय आधार पर बने हो, किसी फिल्म के आधार पर नहीं बने, तो वैसे भजन गाइए, उसमें पाप नहीं है। पर भजन में अगर थोड़ी सी भी ढील दी जाती है, छूट दी जाती है, तो फिर सब अपना अपना ढोलक लेकर के फिर शुरू हो जाते हैं, इसीलिए सबको सामूहिक रूप से मना किया जाता है कि फिल्मी धुन पर आधारित भजन नहीं गाए जा सकते। तो चंद्रावली जी पंजाबी भजन गा करके श्री जी को रिझाती हैं। नंदू सुंदर साथ हैं जो दोनों बार श्री जी के पास आकर के तानपुरे के साथ में गाते हैं। शेख बदल है, शंभू है जो साथ में कोरस गाते हैं, स्वर पूरते हैं, संत दास हैं, बख्तावर, अमृत, कुंडली, ये सब सुंदर साथ हैं जो गा करके रिझाते हैं। और कौन सी वाणी का गायन करते हैं, बानी मेरे पीऊ की गावत अति रसाल, मेरे प्रियतम अक्षरातीत की वाणी अत्यंत मधुरता से गायन करते हैं, और साथ फेरे सब अपनों इत बानी सुनन का दाव, श्रीराज सुने स्नेह सो दिल में बड़ी चाव। श्री जी दिल में अत्यंत चाव के साथ, चाहना के साथ में वाणी को सुनते हैं, इस तरह वारी में गावत हैं। 14 आवत फिरती, 14 समूह है जो बारी बारी से गायन करते हैं, आठों प्रहर में, कोई प्रातः काल को गाते हैं, कोई मध्यान्ह में गाते हैं, कोई शाम के समय में गाते हैं, कोई रात को चर्चा के बाद गाते हैं, इस तरह 14 बारियां हैं गाने वाली जो श्री जी को रिझाते हैं। कहते हैं ए बारी वाले गावहीं आठ प्रहर रात दिन, दिन रात ये जो बारी वाले सुंदर साथ है वो गाने की सेवा करते हैं, और सुनने वाले कौन है, एह नित्य सुनत है खास गिरोह मोमिन, सुनने वाले हैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, लेकिन आने वाले बहुत हैं और आवत हैं बहुत, मढ़े फिरत दो कान, 5000 की जमात है ना, श्री जी के पास आने वाले बहुत हैं पर सबके आने का उद्देश्य भिन्न भिन्न है,
कोई आते हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, कोई आते हैं ज्ञान सुनने के लिए, और कोई आते हैं प्रेम लेने के लिए, श्री जी को रिझाने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मढ़े फिरत दो कान, जो बाहर से भी ध्यान नहीं देते और अंदर के भी कान इनके बंद हैं। बिना अंकुरे क्या करें, पावे ना सुख सुभान। जब परमधाम का अंकुर ही नहीं है तो इसलिए उन्हें राज्य का आनंद नहीं मिलता है। अन्यथा ना तो बुरा ना चाहे कोई आपको, अन्यथा कोई जानबूझ करके अपना बुरा नहीं चाहता है, पर अंकुर ही ना होने से तो ये सुन नहीं पाते। लज्जत तिनको ना आवही तो क्यों कर बैठे तित, जब इन्हें स्वाद ही नहीं आता तो वो वहाँ क्यों बैठेंगे। इसलिए आते हैं, प्रणाम करते हैं, मन में भाव होता है कि इनका आशीर्वाद मिल जाए तो ये हो जाए वो हो जाए, इस तरह से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इस प्रकार अब श्री जी पौढ़े हुए हैं, सुंदर सात वाणी का गायन करके सुना रहे हैं। कहते हैं सो वाणी सिफायत की किन वास्ते उतरी, ये जो वाणी है वो किसके लिए उतरी है राज्य के मेहर से। कहते हैं पांचों चीजें बका से उतरी वास्ते मोमिन, परमधाम से पांच चीजें, परमधाम अथवा अखंड से पांच चीजें ब्रह्मात्माओं के लिए उतरी है। जबराइल जोश धनी का करत सदा रोशन, जो राज्य का जोश है वो ब्रह्मात्माओं के लिए आया है, जो ब्रह्मात्माओं को हमेशा रोशन रखता है अर्थात माया की तरफ जाने से रोकता है, कभी प्रत्यक्ष रूप से कभी परोक्ष रूप से। दूसरा असराफिल आया नूर मकान से, असराफिल जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है वो भी आया है, जो सहनाई फूंकने के लिए तैयार है। कहते हैं ना दो बार सुर फूकेगा, वाणी क्या कहती है, एक सुरे उड़ाए के दिए दूसरे तेरे ही में कायम किए। तो ये दो बार सुर फूकने वाला असराफिल आया है। और हुक्म आया हक का, राज्य का हुक्म आया है जो कि मोमिनों को खेल दिखाए के पहुंचावे वतन निज धाम, ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखा करके परम धाम लेके चलने के लिए। इस तरह से उतरी रूहें अरस अजीम से, परम धाम से ब्रह्म सृष्टि भी उतरी हैं जो उन पांचों में शामिल हैं। ये सब वास्ते मोमिन के करत हैं सुभान, और जो जो भी आए हैं वो सब ब्रह्मात्माओं के लिए आए हैं जिनकी महिमा भागवत गीता वेद वेदांत अर्थात तो अन्य धर्म ग्रंथों में भी लिखी है। इस प्रकार अब सुंदर साथ श्री जी को गायन के माध्यम से रिझा रहे हैं, और रिझाते रिझाते दो दिन का तीसरा प्रहर भी समाप्त हो जाता है। तीसरे प्रहर में और कोई अलग घटना नहीं है, तीसरे प्रहर में सुंदर साथ कुछ समय तक तो सेवा करते हैं और बाकी श्री जी पौढ़े हुए हैं और वाणी का गायन सुन रहे हैं। इस प्रकार अब चौथा प्रहर चल रहा है, चौथा प्रहर प्रारंभ होता है। चौथा प्रहर चलता है दोपहर के 3 बजे से और शाम के 6 बजे तक, दोपहर भी नहीं कहेंगे क्योंकि वैसे तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो दोपहर का मतलब तो दूसरा प्रहर ही होता है, 12 बजे तक दोपहर हो गया। अब चौथा जो प्रहर है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है, शाम के 6 बजे तक का। इसकी भी तक बता रहे हैं क्योंकि पहले का हमें पता है श्री जी पौढ़े हुए हैं, अब क्योंकि भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीते, इस समय छबील दास जी आते हैं लोटा भर करके जल लेकर, श्री जी कुल्ला करते हैं और उसके बाद पानी जल का पान करते हैं। माणिक दौड़े इन समय हजूर पहुंची आए, अब माणिक भाई जी दौड़े दौड़े श्री जी की सेवा में आते हैं। शंकर दास जी आते हैं मोरछल लेकर के, मोरछल क्या होता है आपको पता है, राजा महाराजाओं के पास ऐसे पंखा करने के लिए होता था, एक तो पंखा होता है, एक मोर की जो मोर पंख होते हैं उनको इकट्ठा करके मोरछल बनाया होता है। आप पन्ना जी में देख सकते हैं आरती के बाद स्वरूप बोलते हुए या आरती करते हुए, तो मोरछल लेकर के आते हैं शंकर दास जी एक तरफ, दूसरी तरफ केशव दास है। उस मोरछल में जो पकड़ने की जगह होती है जिसको मूठ कहा जाता है वो सोने की है। वल्लभ दास गंगादास जो रहत हजूर हमेशा, वल्लभ दास और गंगादास जो हमेशा श्री जी के
पास रहते हैं और निर्गुण होके रहते हैं, माया नहीं लवलेश, हमेशा श्री जी के पास रहते हैं निर्गुण होकर के, अर्थात तीनों गुणों से रहित होकर के। उनको माया नहीं लगती कि हमें इधर जाना है उधर जाना है, हम बोर हो गए बैठे बैठे ऊब गए, ऐसा नहीं है। हमेशा श्री जी की सेवा में शामिल रहते हैं। बिहारी दास जी भी साथ में रहते हैं, लाल दास जी, मकरंद, नीमा, ये सब सुंदर साथ हैं। अब श्री जी को क्योंकि लेटे हैं तो लेटते समय वस्त्र भिन्न होते हैं। अब पुनः शाम को लगभग लगभग चितवनी का समय होने वाला है, तो इसलिए श्री जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं। प्रेमदास जी हैं, श्री जी को कुर्ता पहनाते हैं, अपने हाथ से कस बांधते हैं, सिर पर गोटा पहनाया जाता है, उस पर फिर कंढपी पहनाई जाती है, कमर में पटुका बांधा जाता है और कुर्ता के ऊपर एक वस्त्र ओढ़ाया जाता है। श्री जी के लिए एक मखमली तकिया लेकर के बिहारी दास जी आते हैं। कुछ दिनों तक उन्होंने ये सेवा की, फिर मेघा है, गोविंद दास, बनमाली दास, ये सब सुंदर साथ अपनी अपनी सेवा संभालने आते हैं। श्री जी जिस बिस्तर पर हैं, उस पलंग को, उस तख्त को बनाने की सेवा बनमाली दास ने की, क्योंकि जैसा हम पहले ही जान चुके हैं बढ़ई का वो कार्य करते हैं। बिहारी दास जी हमेशा गद्दी और तकिया वगैरह संभालने की वो सेवा करते हैं। बिहारी दास जी को यहाँ पर फरास शब्द से संबोधित किया है, बिहारी दास फरास। फरास का जो अर्थ होता है वर्तमान समय में देखा जाए तो, जैसे आजकल जो उपजाति होती है वाल्मीकि समाज जिनको कहा जाता है, जो कि भंगी का काम करते हैं ना, साफ सफाई इत्यादि का, वो फरास होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ श्री जी की सेवा में वो शामिल हैं। वो सेवा कौन सी? श्री जी का बिस्तर लगाने की। श्री जी ने ऐसे ही नहीं कहा मुख से कि जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़। श्री जी ने सुंदर साथ को तो जातिवाद के बंधन से ऊपर उठने की प्रेरणा दी ही, और सब सुंदर साथ को प्रेरित करने के लिए श्री जी की सेवा में हर वर्ण के सुंदर साथ शामिल हैं। चाहे वो बढ़ई का कार्य करने वाले बनमाली दास हों, चाहे फरास का काम करने वाले बिहारी दास हों, सबने अपनी अपनी सेवा संभाली है। और इस प्रकार अब श्री जी अपने पलंग पर से उठ करके मस्ती भरी चाल से चलते हुए गादी पर आकर विराजमान होते हैं। गादी के दोनों तरफ तकिए रखे हुए हैं। पावणे पर चलते हुए श्री जी उस गादी पर आकर विराजमान होते हैं। नीचे चौकी बिछाई गई है जिस पर श्री जी चरण रखते हैं। छबिल दास जी स्वच्छ जल लेकर के आते हैं जिससे कि श्री जी के चरण को पखारा जाए, चरणों को धोया जाए। मुकुंद दास जी ये सेवा करते हैं और दूसरे प्रेम दास जी हैं जो कहते हैं कि नहीं, मुझे भी ये सेवा करनी है। दोनों मिलकर के सेवा करते हैं और केशव दास जी रुमाल लेकर के आते हैं, रुमाल से श्री जी के चरणों को पोछते हैं। नारायण दास जी भी रुमाल से श्री जी के चरण को पोछने की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं बंटवारा नहीं हुआ है, वरना क्या होता है कि जब एक गुरु हो जिनके जो प्रमुख हैं, और यदि सत्ता की लड़ाई हो, वर्चस्व की लड़ाई हो, तो क्या होता है कि जो शिष्य होते हैं वो सोचते हैं कि किसी तरह से हम गुरु को रिझा लें जिससे कि गुरु हमें वर्चस्व दे दें, और फिर सेवा उसी अनुरूप होने लगती है। और जो नासमझ शिष्य होते हैं वो क्या देखते हैं कि कुछ भी करके मेरा वर्चस्व होना चाहिए, मेरे अहंकार की तुष्टि होनी चाहिए। वो ये नहीं देखते कि हमारे करने से गुरु को क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक सुंदर साथ ये हैं जो श्री जी के चरणों को धोने की सेवा कर रहे हैं, पोछने की सेवा कर रहे हैं। और कुछ सेवादार कैसे होते हैं, एक बार एक गुरु था,
गुरु थे जिनके दो शिष्य थे। अब सेवा करने के लिए दोनों शिष्यों में बंटवारा हुआ। क्या बंटवारा हुआ? ये जो बीच में से एक तरफ एक शिष्य ने बांटा, दूसरे तरफ दूसरे शिष्य ने बंटवारा कर लिया। एक हाथ एक शिष्य दबाएगा, दूसरा हाथ दूसरा शिष्य। एक पांव एक शिष्य दबाएगा, दूसरा पांव दूसरा। सिर दर्द हो रहा हो तो जिस तरफ का सिर दर्द हो रहा होगा उस तरफ का शिष्य दबाएगा, दोनों तरफ का दर्द हो रहा हो तो दो मिलके दबाएंगे। अब एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी लेटे हुए थे, और कैसे लेटे थे? एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा करके। अमूमन दायां पैर चढ़ाते हैं बाएं पैर के ऊपर। तो जिसका बायां पैर था, नीचे वाला पैर जिस शिष्य का था, वो आया डंडा लेकर के और ऊपर वाले पैर पे मार दिया जोर से कि मेरे पैर पे क्यों चढ़ा है तू। अब क्या हुआ? पैर टूट गया, उस पैर पर पट्टी बंधी हुई है। दूसरा शिष्य आया, दूसरे शिष्य ने पूछा कि गुरुजी क्या हो गया, मेरे पैर में पट्टी क्यों बंधी? पैर किसके हैं? गुरु के। पर क्योंकि बांटा है ना, तो कहता है कि गुरुजी मेरे पैर में पट्टी क्यों बंधी है? तो उसने कहा कि उसके पैर के ऊपर तुम्हारा पैर चढ़ गया था तो उसने तोड़ दिया, तो उसने दोबारा डंडा लिया और नीचे वाला जो पैर था उसको मारा कि तेरी इतनी हिम्मत कि तेरी वजह से मेरा पैर टूटा और दूसरे पैर को भी तोड़ दिया। तो कुछ सुंदर साथ ऐसे भी सेवा करते हैं। जब सुंदर साथ आपस में लड़ते हैं तो क्योंकि सुंदर साथ किसके अंग है? राज्य के ही तो अंग है ना, तो तकलीफ किसको होती है? राज्य को होती है। पर हम सब एक दूसरे के पैर को तोड़ते हैं कि तेरी वजह से मेरे पैर को टूटना पड़ा, तेरी वजह से मेरे पैर को तकलीफ हुई। और यहाँ वो सुंदर साथ हैं जिनके अंदर ऐसा कोई भी भाव नहीं है, जिनके मन में ये है कि श्री जी रिझ जाए, श्री जी प्रसन्न हो जाए और सब मिल करके सेवा करते हैं। इस प्रकार अब सेवा करते करते लगभग 4:30 बजे का समय होता है, 3 बजे से 4:30 बजे का 1.5 घंटे तक, लगभग आधे प्रहर तक ये सेवा चलती है। और क्या कहते हैं, पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चार, धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार। क्योंकि हम कहते हैं कि जब हम परम धाम से इस खेल में आए थे तो यही समय हुआ था, और परम धाम की लीला के दृष्टिकोण से पाट घाट में जाने का दिन था और उस दिन हम इस संसार में आए थे। तो उसी बात को सांकेतिक रूप से मानते हुए 4:30 बजे सब सुंदर साथ श्री जी को कहते हैं कि अब श्री जी जिस समय हम परम धाम से आए थे यह वही समय है, आप हमें परम धाम लेके चलिए। अब वास्तव में तो इस जागनी के ब्रह्मांड में परम धाम लेकर के जाने की जो कुंजी है, चाबी है, वो राज्य ने हम सबके हाथ में दी। गाड़ी की चाबी हमारे पास है, पर इसमें एक सिस्टम बना रखा है, ऑटोमेटिक सिस्टम। ये सिस्टम क्या है कि जब तक इस गाड़ी के पूरे पैसेंजर नहीं बैठ जाते गाड़ी में, तब तक ये गड्डी परम धाम की तरफ नहीं चल सकती। क्योंकि जैसे VIP होते हैं ना, कभी क्या होता है एयरपोर्ट में, आप भले ही 1 घंटे से अपनी फ्लाइट पर बैठे हुए हैं लेकिन किसी मंत्री इत्यादि को जाना होगा तो फ्लाइट डिले करा दी जाती है, क्योंकि वो VVIP है। यहाँ सभी ब्रह्मात्माएं VVIP है, अगर एक भी देरी करती है तो सबकी गाड़ी देर होगी, और जैसे ही सभी ब्रह्मात्माएं गाड़ी पर बैठेंगी तुरंत सबको चलना है। हम अपने अपने स्थानों पर, जितने भी हमारे समाज के मंदिर हैं, वहाँ कार्यक्रमों में शाम के 4:30 बजे ये गायन करते हैं। मैंने कई मंदिरों में देखा वो गाते हैं, पिछला बाकी दिन रहा घड़ी चार, धाम वतन चलने की मोमिन करे विचार, और कहते हैं अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में होके खड़े, पिया जी धनी जी खेल को बस करो। खेल को बस करने का जो अधिकार है वो राज्य ने हमारे ऊपर दिया है,
कि खेल बस करना है तो क्या है, इनकी कुंजी तेरा दिल, एक खुले जब आओ मिल की तरह, सब लोग मिल करके आ जाओ, खेल समाप्त हो जाएगा। राज जी ने अपने हाथ में नहीं रखा है, क्योंकि अगर राज जी को लेना होता अपनी मर्जी से तो पहले ही सबको लेकर के परमधाम जा चुके होते। पर इस बार ऐसा खेल दिखाना है कि दोबारा खेल देखने की जिद ना करें। इसलिए राज जी क्या कहते हैं, ये नेक रखी रात खेच के, सो भी कारण वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती बेर है, हम नहीं तो आप खेल को समेट लेते, कितनी देर लगती, तो अब ये हमारे हाथ में। तो हमारे केवल गायन करने से नहीं होगा, एक भी पैसेंजर अगर छूट रहा है तो उसको पकड़ करके ट्रेन में बैठाने की जिम्मेदारी हमारी है, अर्थात प्रत्येक ब्रह्मात्मा की जागनी का कर्तव्य हमारा है। अब सुंदर साथ अर्जी करती हैं कि परमधाम जाने का समय हो गया है, तो इसलिए अब श्री जी का श्रृंगार उसी प्रकार का कराना है। पहले तो महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, जो प्रत्येक सेवा में शामिल है, प्रत्येक सेवा में उनका नाम आ रहा है, अत्यंत स्नेह से, पवित्रता से, निर्मलता से सेवा करते हैं। कहते हैं, जो सेवा सकुंडल करी, अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया, तो कहिया अमीरुल मोमिन, कि जो छत्रसाल जी ने तन मन धन से सेवा की, तन को मन को धन को सौंपा, तो उन्हें क्या कहा गया, सुंदर साथ में सिरदार, प्रमुख सुंदर साथ कहा गया। अब गोकुल दास जी आते हैं, श्री जी से अर्ज करते हैं कि हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, भय मनोरथ पूरन रहिया ना कोई काज। कहते हैं श्री जी धामधनी, हमारी मनोरथ, हमारी मन की इच्छा पूरी हो गई है, अब हमें शीघ्रतापूर्वक इस खेल से निकाल करके लेके चलिए। इस तरह से ये गायन करते हैं श्री जी, उस गायन को सुनते हैं प्रेम से। अब चितवनी कराई जानी है, क्योंकि संध्या का समय हो रहा है, क्योंकि कुछ समय तक तो श्री जी को अभी परमधाम का श्रृंगार भी कराया जाएगा यथासंभव, तो संध्या का समय है। वर्तमान की तरह पन्ना जी की अवस्था उस समय नहीं थी, बंगला जी दरबार भी इस तरह से पक्का नहीं बनाया गया था, जंगल ही जंगल था। आज भी पन्ना जी के आसपास में चीता बाघ इत्यादि के आने की खबर मिलती है। पन्ना जी से के अंदर ही पांडव फॉल में आप जाएंगे तो वहां पर भालू के नाखूनों के निशान पेड़ पर मिलते हैं। तो उस समय तो सोचिए कि कितना घना जंगल रहा होगा। तो इसीलिए सुंदर साथ सेवा के लिए वहां पर ढाल तलवार इत्यादि लेकर के खड़े रहते हैं। कभी मुरलीधर जी हैं, भिखारी दास हैं, संत दास हैं, कभी लालदास जी भी रहते हैं, भिखारी दास रहते हैं, सूरत सिंह तरकस तीर कमान, घनश्याम जी बर्छी लेकर के, रहमान भी इस तरह की सेवा करते हैं। तो ऐसे कई सुंदर साथ मिल करके सेवा में शामिल होते हैं। अब बाईजीराज जी श्री जी के लिए आभूषण मकरंद जी के हाथ से भेज देते हैं। चांदी की जो थाली होती है उस पर महाराजा छत्रसाल जी यदि आए हैं तो छत्रसाल जी श्री जी को आभूषण इत्यादि पहनाते हैं। दो मोतियों की माला है और सोने की सांकली है, सांकली मतलब कड़ी वाले, आज के हिसाब से कहें तो सोने की चेन होती है, जिस पर हीरा झलकार कर रहा है, दुगदुगी जिसमें जड़ी हुई है, माणिक का नंग उसमें जड़ा हुआ है, महाराजा छत्रसाल जी उसको पहनाते हैं। चंद्रहार है, चंपकली है, कंठी गले में कंठी है, कंठी मतलब जो गले से बिल्कुल चिपकी है, मालाएं तो थोड़ी नीचे तक आती है छाती पर, लेकिन जो गले से बिल्कुल सटी है उसको कंठी कहा जाता है या कंठसरी कहा जाता है। इस प्रकार महाराजा छत्रसाल जी श्री जी का श्रृंगार कराते हैं। भिन्न भिन्न अंगुरियों में मुद्रिकाएं और अंगूठे में अंगूठी पहनाते हैं और श्री जी महाराजा छत्रसाल जी की इस प्रकार की सेवा को स्वीकार करते हैं, सुंदर साथ की सेवा को भी स्वीकार करते हैं। और इस तरह से चितवनी की तैयारी करते करते, धाम वर्णन की तैयारी करते करते चौथा प्रहर समाप्त हो जाता है। तो अब
पांचवा जो प्रहर है शाम की 6 बजे के बाद और 9 बजे के बीच का, 5, 6, 7, 8 चार प्रहर है हमारे पास अभी। उन चार प्रहरों में किस प्रकार धाम वर्णन होता है, धाम वर्णन का तात्पर्य चितवन ही है, कोई सुंदर सा तो उसका वर्णन करके सुनाते हैं और बाकी सुंदर सा चितवनी में बैठते हैं, श्री जी की आरती होती है, श्री जी चर्चा करते हैं और सुंदर साथ वाणी का गायन किस प्रकार करते हैं, ये कौन सा भाव है जो श्री जी को रिझाने के लिए लगता है। गायक तो बहुत सारे होते हैं गाने वाले, पर श्री जी को रिझाने की जो सेवा है, उन सुंदर साथ की महिमा क्यों अधिक है, ये सारी बातें सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दे रहे हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए चौथे प्रहर की बीरत, अब कहूं पोहर पांचवा, सुनियो तन मन हित, सुनियो तन मन हित। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सतगुरु महाराज।